told your friend you're not okay. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you try to stay strong and fake a smile until I look. चलो आप रेडी हो? हाँ हाँ, बस मैं थोड़ी टाइम में रेडी हो जा रही हूँ, फिर चलते हैं। कहाँ जाना है? डिज्नीलैंड। हाँ डिज्नीलैंड ना, मेला आज से मेला दिखाएंगे आप कैसा होता है यहाँ। बोल ठीक है, चलो चलते हैं। रेडी? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जाने वाली हूँ मेला, और मेले में क्या मैं मस्ती करती हूँ मैं आपको दिखाऊंगी, और आप बताना कि कैसा लगा मेरा यहाँ का मेला। अभी तो मैं रामगढ़ ताल पे हूँ, बट बहुत भीड़ है इसलिए मैं नहीं दिखाऊंगी। हाय, मेले के रास्ते में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक मिल गई है हमें, तो बस कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे हम पहुंच गए हैं, और ये है डिज्नीलैंड मेला। यहाँ पे पार्किंग है 30 रुपीज़ की, तो 30 रुपीज़ में आप पार्क कर सकते हो आराम से, बहुत स्पेस है। 20 रुपीज़ टिकट लगता है पर हेड एंट्री का, और ये एंट्रेंस है। आप यहाँ पे फोटो एक लें क्या आपका? मैंने कुछ रील वीडियो भी बना लिए, बस चलो ठीक है बना लिया, सही से बन नहीं पाया था बट बना लिया। यहाँ पे ये अंकल इमरती बना रहे थे, बहुत अच्छे से बना रहे थे, इसलिए मैंने स्लो मोशन में ले लिया। और इमरती मैंने खाया, टेस्ट किया, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, हो सकता कुछ लोगों को पसंद भी आए। और मैं कहीं कहीं पर वॉइस ओवर दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बॉलीवुड सॉन्ग चल रहा था मेरे में, तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता, इसलिए अच्छे अच्छे झुमके, ईयर रिंग्स, चूड़ियाँ और मंगलसूत्र, मतलब सब कुछ मिल रहा था जो मेले में मिलता है। वैसे बड़े बड़े मेले मिलता है, वो सब कुछ यहाँ पे मिल रहा था, तो आप कुछ भी खरीद सकते हो। कॉस्मेटिक भी मिल रही थी, लेकिन अच्छे ब्रांड की नहीं थी। यहाँ पे बॉयज कलेक्शन भी है, सूट, साड़ियाँ, लेडीज़ कलेक्शन, बैग, फर्नीचर, सब कुछ है। और टैटू भी बन रहा था, मैंने पूछा था, 400 per inch है, और अच्छा फिनिशिंग था वहाँ पे भी। तो फिर यहाँ ये, दिस इज़ माय फेवरेट प्लेस, खट्टी मिट्टी गोलियाँ, इमली, ये वो, मतलब मज़ा आ जाता है मुझे ये देख के, तो मज़ा आ जाता है। मैंने खाया भी था यहाँ से। बस हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे हमें दिखा ये झुमका, और ये झुमके का कलेक्शन बहुत अच्छा था, बट मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे पास बहुत सारे झुमके हैं, इसलिए मैंने नहीं लिया। ये बच्चों के लिए हैं, बच्चे इस पे बैठ के मस्ती कर सकते हैं, और ऐसे 2-3 थे तो आराम से बैठ के मस्ती कर सकते हैं। और ये शायद 40 रुपीज़ या 50 रुपीज़ पर हेड थे, बड़ों के लिए 50 रुपीज़ पर हेड था, वो तो मुझे याद है क्योंकि मैं बैठी थी। तो अभी हम लोग यहाँ पर सर्च कर रहे हैं कि हम किस पे बैठें, मतलब कौन से वाले एक्टिविटी, मतलब कौन सी वाली एक्टिविटी करें। तो हम देख रहे हैं बस कि किस पे बैठे, किस पे बैठे, इस पे डर लगेगा, इस पे डर लगेगा, हम ऐसा ही सोच रहे थे। तो बस सोचते सोचते हमें ये आगे बढ़े, तो यहाँ पे ये बड़ा वाला झूला दिखा, और मैं इस पे एक बारी बैठी थी तो चिल्लाई तो थी, मुझे बहुत डर लगा था, लेकिन मैंने सोचा चलो ठीक है ट्राई करते, तो हम ट्राई करने जा रहे हैं फिर से। हमको देखो, कैसे गिरोगी? नहीं गिरोगी, नहीं गिरोगी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, हमको देखो, हमको, हाँ वेरी गुड, अबे हमको देखो, हमको देखो। अरे हमारे हाथ से छूट जाएगा मोबाइल। भाई ऊपर से बहुत डर लग रहा था, इसीलिए मैंने सही से दिखाया नहीं, बट ये मेले का नज़ारा है, थोड़ा बहुत मैं दिखा दे रही हूँ यहाँ पे।
तो बस इसके बाद हम लोग मेले मतलब झूले से उतर गए और उसके बाद हम फिर से सर्च करने लगे, चलो चलो दूसरे झूले पे बैठते हैं, दूसरे झूले पे बैठते हैं, किस पे बैठते हैं, इस पे बैठते हैं, उस पे बैठते हैं, ये सब हम देखने लगे। तो ये वाला जो है मैं इस पे तो बिल्कुल भी नहीं बैठूंगी, क्योंकि मैंने एक बार ही एक मेले पे मैं बैठी थी, बहुत साल पहले की बात है, बट इतनी उल्टियाँ आने लगी, चक्कर आने लगे कि मैंने तो कान ही पकड़ लिया, भाई इस पे तो बिल्कुल भी नहीं बैठना है। तो इसको हमने कैंसिल कर दिया। और ये है मेरी दीदी का बेबी। तो ये क्लिप दूसरे टाइम का मैंने ऐड कर लिया। एक बार और हम लोग गए थे मेला, तो इस पे हम लोग बैठ गए हैं फाइनली। और इस पे बैठने के बाद क्या हुआ आगे आप देखो। इधर मैं बोलना भूल गई, मेले से निकले हुए आधे घंटे हो गए कुछ। तो मैं मेले से अभी आ चुकी हूँ और उस चक्री वाले झूले पे बैठ के बहुत ज़्यादा चक्कर आया, मतलब बहुत ज़्यादा चक्कर आया। तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगी, जिसको चक्कर आता है, जिसको परेशानी होती है, वो उस झूले पे बिल्कुल भी ना बैठे। और 12 बजने वाला है और मैंने वहाँ पे कम सूट किया। मैंने इसलिए कम सूट किया क्योंकि वहाँ पे हिंदी गाने चल रहे थे और हिंदी गानों की वजह से या मतलब कॉपीराइट क्लेम आ गया था मेरे फर्स्ट वाले बेटे पे। मेरा फर्स्ट वाला ब्लॉग बहुत अच्छा है, आप जाके देखना। बस यही था आज का ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। काफ़ी रात हो चुकी है, 12 बज चुके हैं, मैं जा रही हूँ फ्रेश होके सोने, फिर चलते हैं, बाय। मेरा फर्स्ट वाला ब्लॉग बहुत बस यही था आज का ब्लॉग और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बस यही था आज का ब्लॉग।